एंड पीसी से मैंने पीसी मंगवाया था तो आ चुका है। आज मंडे को ऑर्डर किया था लास्ट वीक, और आज मंडे है और आज ही के दिन आया है ये, तो इसकी वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आया है साथ में। और ये बिल है जो मेरे को मिला है, 51,460 रुपये टोटल बिल है, ठीक है, जिसमें मैंने देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स लगवाए हैं। अमेज़ोन कह रहा हूँ, राइजन 5 3500X, MSI का मदरबोर्ड, 8 GB रैम, ये सब वगैरह वगैरह, MSI का 1650 सुपर ग्राफिक कार्ड। तो अभी इसको अनबॉक्स करके देखते हैं, पैकेजिंग बहुत बढ़िया लग रही है, तो अभी जब मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं पैकेजिंग बहुत बढ़िया करी है इन्होंने और बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, मानना पड़ेगा बहुत बढ़िया पैकेजिंग है, अभी तक मैं बिल्कुल इतना ही खोल पाया हूँ। तो ठीक है, आगे और खुल जाता है फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो लगभग खोल लिया है मैंने, और ये फोम वाला निकालने के बाद ये बॉक्स निकला है, कैबिनेट का ही बॉक्स है ये। एंड स्पोर्ट का मैंने ऑर्डर किया था आइस 511 MT, तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं फिर आगे शुरू करते हैं। तो अभी तक मैं अनबॉक्सिंग ही कर रहा हूँ दोस्तों, और इसके साथ में एक और ये बॉक्स आया था, इसके अंदर ये सारी केबल्स वगैरह हैं, ये इसकी पावर कोर्ड हो गई और ये कुछ एक्स्ट्रा केबल्स हैं जो मेरी पावर सप्लाई से मदरबोर्ड पे लगाने के काम आएंगी। जैसे कि ये मुझे सेटा केबल दिख रही है, सेटा ड्राइव्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए, ये भी एक एक्स्ट्रा सेटा ड्राइव दिख रही है, केबल दिख रही है देखिए। और इसके अलावा और क्या है, ये MSI मदरबोर्ड की CD ड्राइवर है और उनका लोगो, और ये सेटा केबल है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अभी इसको भी अनबॉक्स करते हैं फिर देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखता है कैबिनेट, बहुत बढ़िया तरीके से पैकेज किया हुआ था, उसके अंदर आप देख भी सकते हैं। तो अभी इसमें इन्होंने ये लगा के भेजा है कि इसको आप लटा करके ओपन करें, तो ठीक है इसको पहले लटा लेते हैं। तो साइड में रखते हैं, बाकी इसको एक बार पीछे से भी ओपन करके देखेंगे कि केबल मैनेजमेंट कैसा किया है। तो ये मैंने पीछे से भी ओपन कर लिया है, केबल मैनेजमेंट तो बहुत सही से किया हुआ लग रहा है मुझे, तो ये केबल मैनेजमेंट इनका पसंद आया, प्रॉपरली केबल्स को टाई किया हुआ है। और ये इनका एक ये हार्ड ड्राइव लगाने का स्लॉट है, मेरे पास एक पुराने कंप्यूटर की पड़ी हुई है 1 TB की, सीगेट की,
7200 RPM की हार्ड ड्राइव पुराने कंप्यूटर की। मेरा ये पुराना कंप्यूटर आप देख सकते हैं, ये रहा। तो इसके अंदर से मैं निकाल के सॉरी इसमें लगाने वाला हूँ। और ये ए डेटा की मैंने लगवाई थी इनसे SSD 480 GB की है। तो गाइस अब ये जब बाद में स्टार्ट होता है फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों कंप्यूटर मैंने सेटअप कर लिया है, पूरा ऑन कर लिया है, ऑन हो गया। तो देखो ऐसी RGB दिख रही है, ये ऐसे फ्रंट में से दिख रही है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये RGB जो है चेंज की जा सकती है इसका पैटर्न, जस्ट बटन प्रेस करना है। जैसे अभी ये मैंने ये वाला प्रेस किया फिर ये हो गया पैटर्न। मैंने गलती से PC रीस्टार्ट कर दिया वो उस बटन को दबा के। दोस्तों मैंने ये PC यूज़ किया कम से कम 7 से 8 घंटे हो गया और अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है। इस पर मैंने 2-3 गेम्स खेली हैं। एक मेरी फेवरेट पुरानी गेम में खेला करता था बार मशीन्स पे जा करके, जिसका नाम था टेकन टैग 1999 वर्जन। और उसको मैंने इस पर खेल के देखा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली मुझे। और मैंने इसमें गेम ऑफ थ्रोन्स वॉरियर विदिन खेल के देखी, जो कि पुरानी गेम है, पुराने कंप्यूटर में खेलता था। इसके ऊपर मैंने चला के देखी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसमें और इसमें हैवी गेम्स डालूंगा, जैसे टेकन 7 हो गया, फार्क्राई हो गया, ये सारी गेम्स डालूंगा। बाकी मैं एक बार आपको एक बारी इसमें कंपोनेंट्स बता देता हूँ क्या क्या लगे हैं। तो मैंने इसमें जो लगवाया है AMD का राइजन 5 3500X जो कि 6 कोर 6 थ्रेड के साथ आता है, MSI का B450 प्रो VDH मैक्स मदरबोर्ड, 8 GB की 1 RAM लगवाई है जो कि है 32 MHz के ऊपर, जी स्केल रिप जॉस। और इसके ऊपर MSI का GeForce GTX 1650 सुपर, इसमें मैंने ग्राफिक कार्ड लगवाया जो कि 4 GB का है, 480 GB की ए डेटा की सेटा SSD लगवाई है, एनटेक का 550 वॉट का इसका पावर सप्लाई है। और कोई मैंने अलग से कूलर नहीं लगवाया इसमें, स्टॉक कूलर जो AMD की तरफ से आता वही इसमें यूज़ किया है। और इसमें जो कैबिनेट है वो यूज़ किया मैंने एंट स्पोर्ट्स का है, आइस 511 जो आपने पहले देखा भी था वो है, बहुत बढ़िया है। इसमें 3 RGB फैंस आगे हैं पीछे हैं और कलर्स चेंज किए जा सकते हैं, जिसमें कम से कम 10 से 12 पैटर्न्स हैं। और दोस्तों यही सब पार्ट्स मैंने लगवाए हैं। बाकी मैंने जब ये ऑर्डर किया था तो उस टाइम पे कुछ NTPC की साइट पे ऑफर चल रहा था, दिवाली 2020 कूपन लगाया, तो जिसको लगाने के बाद मुझे इसका टोटल प्राइस पड़ा 51,460 51,460, अदरवाइज इसका प्राइस जो था 54,000 प्लस जा रहा था। तो शायद वो ऑफर अभी भी इनकी साइट पे चल रहा है जो कि है ant-pc.com करके इनकी साइट है। तो बाकी इसको मैं और यूज़ करूँगा और होपफुली इसके परफॉर्मेंस के बारे में आपको शायद और डिटेल में वीडियो में आगे चल के बताऊं। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक यू।